दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का यानी राजनीतिक विज्ञान का जो है हम लोग मॉडल सेट देखने वाले हैं जो कि है 2020 के एग्जाम के लिए और ये जो है स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। सो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। हम लोग अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 एनुअल, मतलब कि ये जो है फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए मॉडल सेट बनाया गया है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आपको सेम पैटर्न एग्जाम में जिस टाइप का पूछा जाएगा सेम पैटर्न आपको इस मॉडल सेट में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे जो है आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया गया है, जो टाइम आपको एग्जाम में भी इतना ही मिलने वाला है। और जो है इस पेपर से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है यानी पूर्णांक जो है 100 मार्क्स का हो गया। उसके बाद हम लोग अगर नीचे चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपके लिए कुछ निर्देश दी गई है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, यहाँ पे आप वीडियो को रोक के ये सारे निर्देश को पढ़ लीजिए जिससे आपको एग्जाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। 5 निर्देश है, आप आराम से इस वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और जो है इस वीडियो में ना केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को भी इस वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए और जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे निर्देश दी गई है क्या चीज़, प्रश्न संख्या 1 से 60 तक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से सही 1 सही है, इनमें से केवल 50 का ही उत्तर देना है, सही विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। सबसे पहली बात देखो यार 2019 तक क्या होता था कि 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहती थी जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होता था, जबकि जो है 2020 में क्या हो जाएगी इस बार जो है आपका बोर्ड एग्जाम में क्या होगा 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा जिसमें से आपको केवल 50 का जवाब देना है। सो ऐसा कुछ हमारा पैटर्न होने वाला है बोर्ड एग्जाम में और फिर 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ पैटर्न होने वाला है। सो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखने के लिए। पहला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना, राजीव गांधी, जाकिर हुसैन, पंडित नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी यानी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आती है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया, पंचशील संधि का उल्लंघन किया, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए यानी चीन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, योजना आयोग का स्थापना कब हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी, 15 मार्च 1950। 4 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हैं, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हैं? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी राइट आंसर, ऑप्शन सौ डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें है नवीन पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 5 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए यानी 1997 से 2002 तक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में आती है, वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मसला है, वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मसला है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी यानी वैश्विक सुरक्षा, ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी यानी महाशक्ति बनने की दौर में सम्मिलित होना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, PL 480 समझौता किसके साथ हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 8 का ऑप्शन ए यानी संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के साथ, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी घ। अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें है मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर 10 का हो जाएगी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन ख यहाँ पे राइट हो जाएगी 10 का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर, सिंडिकेट क्या था, सिंडिकेट क्या था? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन ए कांग्रेस के अंदर
ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, क्या कौन सा? उसका नाम सिंडिकेट था, सिंडिकेट। कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? शीत युद्ध के काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, यानी सोवियत गठबंधन से। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाए, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। क्या चीज़? 12 का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी, सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी यानी चीन, ऑप्शन डी सही हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगी 14 का, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए यानी राष्ट्र संघ। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग देखेंगे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो आप आराम से देखते हुए वीडियो को चलिए, और साथ में जो याद करते हुए सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए, तभी इस वीडियो का आपको फायदा होगा। ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप आराम से इसको याद करते हुए चलिए। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है, पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को क्या कहा जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी यानी जैव मंडल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, भारत ने श्रीलंका से अपनी शक्ति शांति सेना कब वापस हुई? भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस हुई? तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट हो जाएगी ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वतंत्र पार्टी का नेता थे, स्वतंत्र पार्टी के नेता थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 18 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी, क्या चीज़? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगी, देसी रियासतों का संघ में विलय, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी, यानी B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील की उद्घोषणा हुई, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी हो जाएगी राइट आंसर, 28 जून 1954 को। फिर जो है 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या चीज? परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, क्या चीज? सभी। परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, यानी शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना और सामूहिक सुरक्षा, ये तीनों यानी राइट आंसर डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी, 1956 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देशों की संख्या है? तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, क्या चीज? ऑप्शन बी यानी 5 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे है, प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी यानी 1974 को, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी गौ राइट आंसर हो जाएगी। 26 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो यहाँ पे जो है 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी यानी ऑप्शन ख यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन यानी चीन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट हो जाएगी, उदारवाद यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 28 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगी, यानी क्षेत्रीयता का भावना, कांग्रेस के नेतृत्व की कमी और राष्ट्रीय पार्टियों की कमजोरी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगी।
और फिर 29 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन समझे जाते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन समझे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगी 29 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे MS स्वामीनाथन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे किसने कहा भारत विविधताओं में एकता का देश है। भाई किसने कहा भारत में विविधताओं में एकता का देश है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन है, दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था कब। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, यानी कहाँ हुआ था जो स्थापित हुआ था, महाराष्ट्र में। ऑप्शन 31 का राइट आंसर डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, यार आराम से इस वीडियो को देखते हो चलो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और जो है 32 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे, भारत में प्रथम आम चुनावों में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI यहाँ पे हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी 1957 ईस्वी यहाँ पे राइट हो जाएगी। फिर जो है 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन बी हो जाएगी यहाँ पे, मुजफ्फराबाद, ऑप्शन बी 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। 35 नंबर क्वेश्चन में है, 1955 का बांडुक सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1955 का वांडुक सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर 35 का हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी इंडोनेशिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ है 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन बी यानी 27 मई 1964 को। फिर जो है यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर 38 का हो जाएगा ऑप्शन अ, ऑप्शन ए यानी क प्रधानमंत्री यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। और फिर जो है 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, जनता दल किस राज्य की पार्टी है, यानी यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है। तो राइट आंसर 40 का हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन सी यानी बिहार का, जनता दल किस राज्य की पार्टी है यानी बिहार का, ये जो है आंसर राइट हो जाएगी ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन आप देख लेते हैं, इसमें क्या है, पांच सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस के द्वारा की गई। पांच सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे 41 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सौ, ऑप्शन यहाँ पे अ हो जाएगी यानी पंडित नेहरू, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी यानी MS स्वामीनाथ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, स्वामीनाथन। अगला जो है 43 नंबर क्वेश्चन में है, मैकमोहन रेखा कहाँ है, मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी हो जाएगी, यानी सौ सतलज नदी पर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है, वर्ष 1991 में सोवियत संघ कितने गणराज्य में रूपांतरित हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी 45 का, वो हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन सी यानी 15, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे 46 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, 15, ऑप्शन डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है,
वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगी, द क्या चीज, एकीकरण, यहाँ पे डी हो जाएगी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें है भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, देसी रियासतों का संघ में विलय। तो ये जो है राइट आंसर डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 49 नंबर, इसमें है परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगी, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना और सामूहिक सुरक्षा, ये तीनों हो जाएगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें है भारत के प्रथम आम चुनाव में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन सी, ऑप्शन 100 यहाँ पे राइट हो जाएगी, 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव को अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, यानी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे जो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगी, यहाँ पे मालदीव, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी भारत और वो बांग्लादेश के बीच में हुआ था, क्या चीज, शिमला समझौता 1972 का, तो वो जो है भारत वो बांग्लादेश के बीच में हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन क्या चीज, ए, जेनेवा में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, यानी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, इसमें है किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन बी, यानी बहुत दूसरा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गई। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें है राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 356, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 60 नंबर, इसमें है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन सी, यानी लेनिन ने, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है सेक्शन बी आ गई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सेक्शन ए में हम लोग देखे हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है गैर वास्तविक प्रश्न यानी नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाती है। इसमें जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो है दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ निर्देश दी गई है, सबसे पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं। वो क्या है यहाँ पे निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 लघु उत्तरीय है, किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जिसमें से आपको केवल 15 का जवाब देना होगा और हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा। तो 15×2 यहाँ पे आपको 30 मार्क्स ऑलरेडी मिल जाएगी लघु उत्तरीय क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं, आप इन सारे क्वेश्चन को आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए और आराम से जो है इसका आंसर बुक से ढूंढिए, टीचर से पूछे या फिर कोई भी गाइड से ढूंढ लीजिए।
क्योंकि आप जब एग्जाम में अपना आंसर लिखेंगे तभी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी क्या है, और जो है तीसरा क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या तात्पर्य है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या तात्पर्य है। चार नंबर क्वेश्चन है प्रथम तीन आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आराम से वीडियो रोक के लिख लीजिए, और उसके बाद पांच नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आती है। पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं, पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं। छह नंबर क्वेश्चन है शीत युद्ध का अर्थ एवं उसके उद्देश्य के कारण बताइए। और फिर सात नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राजनीति में शक्ति संतुलन की विवेचना करें। फिर जो है आठ नंबर क्वेश्चन है परमाणु और प्रसार संधि के क्या मुख्य प्रावधान हैं। तो ये हो गई, इन सारे क्वेश्चन को आराम से वीडियो रोक के पढ़ लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। नौ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे विश्वव्यापी ताप वृद्धि क्या है, विश्वव्यापी ताप वृद्धि क्या है। दस नंबर क्वेश्चन है दल बदल से आप क्या समझते हैं, दल बदल से आप क्या समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में और विपक्ष में तर्क दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। फिर जो है 13 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता के प्रमुख कारणों को लिखे। 14 नंबर क्वेश्चन है एक दलीय प्रभुत्व के दौर का अर्थ बताइए। फिर जो है 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो चित्रों का वर्णन कीजिए। आप जो है आराम से वीडियो रोक रोक के आराम से लिखते हो चलिए। यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम लोग को कवर करना है। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सोवियत प्रणाली के मुख्य विशेषताएं क्या थी। 17 नंबर क्वेश्चन है शांति स्थापना व शांति निर्माण में क्या अंतर है। 18 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में जैसे नई राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौतियां थी, स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौतियां थी। तो ये हो गए 18 नंबर क्वेश्चन। अब 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। 20 नंबर क्वेश्चन में है जल प्रदूषण क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन में है क्षत्रिय संगठन किसे कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है श्वेत क्रांति क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मंडल आयोग के मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन दिख गए जिसमें से केवल आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। सेम ऐसे जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 25 क्वेश्चन जिसमें से आपको एग्जाम में जो है 15 क्वेश्चन लिखने होंगे। सो मेक श्योर आप एक बार इसको ट्राई करिए इन सारे क्वेश्चन को कॉपी पे लिख के कि आप लोग जो है 3 घंटा 15 मिनट में इन सारे क्वेश्चन को बना पाते हैं या फिर नहीं। अगला जो है आती है हमारे पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो है प्रश्न संख्या 26 से लेकर 33 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए यहाँ पे आपको 5 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, हरित क्रांति क्या थी, क्रांति के दो सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। फिर जो है 27 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, उदारीकरण के दिशा में भारत द्वारा अपनी नीति में किए गए मुख्य परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो ये जो आप आराम से वीडियो रोक के लिख लीजिए। फिर जो हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, गठबंधन सरकार से क्या से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका समझाइए। फिर जो है 29 नंबर क्वेश्चन है वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है। फिर जो है 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ आती है शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है, उनके उदय का कारण बताइए, शीत युद्ध का क्या अर्थ है, उनके उदय का कारण बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन इन ऑपरेशन यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम क्या था, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम क्या था, यह कैसे अमेरिकी वर्चस्व को दिखाता है। फिर जो है 32 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या है, क्या भारत को सुरक्षा परिषद में
अस्थायी स्थान मिलना चाहिए। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या है? क्या भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी स्थान मिलना चाहिए? फिर जो है 33 एंड लास्ट क्वेश्चन ये है, कश्मीर समस्या पर एक लघु निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन लास्ट हो गई और हम लोग यहाँ पे देख लिए मॉडल पेपर। अभी जो है आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हुई है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो है वो लोग भी इस वीडियो को देख सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ मिल सके। और आप नीचे कमेंट करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।